अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो चलें, तालीमी टेक्नोलॉजी की इस्तेलाह से मुराद तालीमी तरतीबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, चाहे वो इब्तदाई और सानवी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कॉरपोरेट ट्रेडिंग साइट्स या घर में आजादाना मुतल्ला हो। ताहम ये बहस के टू ग्रेड में तालीमी टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज करेगी। तालीमी टेक्नोलॉजी की अमूमी और खसूसी दोनों मायने हैं। आम लोगों और असातिज़ा की अक्सरियत के लिए इस इस्तेलाह से मुराद कंप्यूटर, टेलीविज़न और दीगर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स का तदरीस इस्तेमाल है। तालीमी टेक्नोलॉजी के माहिर ख़ास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में जो तहकीक करते हैं और तालीमी टेक्नोलॉजी पर कोर्सेज पढ़ाते हैं। तदरीस टेक्नोलॉजी की इस्तेलाह को तरजीह दें, क्योंकि ये तालीमी टेक्नोलॉजी के तदरीसी तालीम की तरफ तवज्जो मबजूल कराती है। ये इस्तेलाह एक अमल और महसूस आलात दोनों की नुमाइंदगी करती है जो असातिज़ा अपने क्लास रूमर्स में इस्तेमाल करते हैं। एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक तालीमी टेक्निक की माहिर की नुमाइंदगी करने वाले प्रिंसिपल पेशेवराना अंजुमनों में से एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एक पेचीदा मरबूत अमल है, जिसमें मसाइल का तजुर्बा करने के लिए लोगों, तरीक़ाकार, आइडियाज़ और आलात और तंजीम को शामिल किया जाता है और तशखीस अमल दरामद और इन मसाइल के हल का इंतज़ाम करना, ऐसे हालात में जिनमें सीखना या मकसद और कंट्रोल करना होता है। तालीमी टेक्निकी माहिर अक्सर इन तमाम आलात की नुमाइंदगी के लिए इंटरनेशनल मीडिया के इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें असातिज़ा और सीखने वाले सीखने में मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तहम बहुत से मौलिमीन के लिए तालीमी टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की इस्तेलाह के लिए एक दूसरे के बदले इस्तेमाल होती है और वो यहाँ इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आज इस्तेमाल होने वाली जदीद तरीन कंप्यूटेशनल और कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर मरकूज होगी। तालीमी टेक्नोलॉजी तारीख। तालीमी टेक्नोलॉजी तारीख आलात की बढ़ती हुई पेचीदगी और नफासत से निशान जद है। टेक्नोलॉजी की हामियों की तरफ से असर अंग्रेज़ी के मुबालगा आमेज दावे क्लासरूम के असातिज़ा के ज़रिए चटपट नफास, और इस बात का बहुत कम सबूत है कि इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी ने तलबा के सीखने में फ़र्क किया है। अगरचे टेक्नोलॉजी के हामियों ने वक्तन फवक्तन ये दावा किया है कि टेक्नोलॉजी असातिज़ा की जगह ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौलमीन के दरमियान आम नज़रिया ये है कि टेक्नोलॉजी को तदरीसी तनवी फराम करके तजरीरी तसव्वुरात को ठोस बनाने में मदद देगी और तलबा में दिलचस्पी पैदा करके हिदायत की तकमील के लिए मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बसरी तालीम और बसरी हिदायत की असलाहत असल में इसके लिए इस्तेमाल की गई थी कि असातिज़ा के लिए दस्तियाब बहुत से ज़राए अबलाग जैसे कि सहजेती अशिया, तस्वीरें और खामोश फिल्में नज़र में मुनहसर थीं। बाद में जब फिल्म में आवाज़ शामिल की गई तो ऑडियो रिकॉर्डिंग मकबूल हो गई। तो ऑडियो विजुअल एजुकेशन, ऑडियो विजुअल इंटरसेक्शन और ऑडियो विजुअल डिवाइसेस को हिदायत की तकमील के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मीडिया के मुख्तलिफ किस्म की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये बुनियादी इस्तेलाहात थीं जो तकरीबन 1970 तक तालीम टेक्नोलॉजी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती थी। स्कूल में तदरीसी मीडिया का इंतज़ाम करने वाली पहली इंतज़ामी तंजीमें स्कूल म्यूज़ियम थी। पहला स्कूल म्यूज़ियम 1905 में सेंट लुइस मिसौरी में कायम किया गया था। इसका मकसद पोर्टेबल म्यूज़ियम के नुमाइशों, फिल्मों, तस्वीर
चार्ट्स और स्टेवरिंग स्लाइड्स और दीगर मवाद को असतदा को इनके क्लासरूम में इस्तेमाल करने के लिए जमा करना और कर देना था। ज़िला भर के मीडिया सेनेटर जो आज स्कूल के तमाम निज़ाम में आम हैं, स्कूल के अजायब घरों की औलाद हैं। बीसवीं सदी की पहली दिहाई तक तजीस इस्तेमाल के लिए खामोश फिल्में तैयार की जा रही थी। 1910 में एजुकेशनल पिक्चर्स का कैटलॉग शाया किया गया, जिसमें इन फिल्मों की 1000 से ज़्यादा उनवानात दर्ज थे जिन्होंने स्कूल किराए पर ले सकते थे। 1913 में एडिसन ने जोर देकर कहा, स्कूलों में किताबें जल्द ही मतरूक हो जाएंगी, अगले 10 सालों में हमारा स्कूल सिस्टम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। 1917 में शिकागो के सरकारी स्कूलों ने फिल्मों की तरतीब और इंतज़ाम की जिम्मेदारी लेने के लिए एक बसरी तालीम का महकमा कायम किया और 1913 तक तालीम के 31 रियासती महकमों ने फिल्मों और मुतलका मीडिया की जिम्मेदारी संभालने के लिए इंतजामी यूनिट बनाए। इन कोशिशों के बावजूद फिल्में कभी भी स्कूल में असर रसूख की और सत्ता तक नहीं पहुँची, जिसकी एडिशन ने पेशेंगोई की थी। फिल्म के इस्तेमाल के शवाइज से ये जाहिर होता था कि असातिज़ा फिल्मों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। कभी कभार इस्तेमाल करने की वजूहत में से कुछ असातिज़ा की आलात और फिल्म के इस्तेमाल में महारत की कमी थी और फिल्मों और सामान और देखभाल की लागत, ज़रूरत पड़ने पर सामान की नाकाबले रसाई और हर क्लास के लिए सही फिल्म तलाश करने में शामिल वक्त। तवज्जो हासिल करने के लिए रेडियो अगली टेक्नोलॉजी थी। महकमा तिजारत को रेडियो डिवीज़न ने तिजारती तालीमी स्टेशनों को लाइसेंस देना शुरू किया। जल्द ही स्कूल कॉलेज महकमा तालीम और तिजारती स्टेशन स्कूल को रेडियो प्रोग्राम फराहम करने लगे। न्यूयॉर्क शहर के स्कूल के 1923 में अकाउंटिंग क्लासेस नशर करने वाली रेडियो के ज़रिए क्लासेस पढ़ाने वाले पहले होने का सेहरा जाता है। रेडियो के इस्तेमाल के लिए चोटी की सरगर्मियों 1925 से 1935 के दरमियान की दिहाई के दौरान हुई, हालांकि कुछ रेडियो हिदायत 1940 की दिहाई तक जारी रहीं। इनके अलावा रेडियो का स्कूलों पर वो असर नहीं पड़ा जिसका इसके हामियों को उम्मीद थी। शुरू में नाकिस ऑडियो डिस्पेशन और आलात की कीमत को इस्तेमाल में रुकावटों के तौर पर बताया गया। जब बाद के सालों में इन मसाइल पर काबू पाया गया तो नशरियात और असातिज़ा के तदरीसी एजेंडों के दरमियान फिट ना होना ज़्यादा अहम अवामिल बन गए। बिलाखिर जब टेलीविज़न दस्तियाब हुआ तो स्कूलों में रेडियो के हाल हिदायत को फ़रोग देने की कोशिश तर्क कर दी गई। दूसरी जंग अजीम में ऑडियो रिविजल की तालीम को फ़रोग दिया गया। वफा की हुकूमत वो अमरीकी सनत को बड़ी तादाद में फौजी भर्तियों और नई सनती कारकुनों के लिए तरबियत फराहम करने के लिए मुश्किल का सामना था। लोगों को तेज़ी से और मौसर तरीके से तरबियत देने के तरीके तलाश करने थे। अमरीकी हुकूमत ने अकेले 55,000 फिल्म प्रोजेक्टर खरीदे और फिल्मों की तरबियत पर $1 बिलियन खर्च किए। फिल्मों को अलावा फौज के लेक्चर को सपोर्ट करने के लिए और हेड प्रोजेक्टर जहाज और हवाई जहाज की शनाख्त की तरबियत में मदद के लिए सेलाइट प्रोजेक्टर और गैर मुल्की ज़बानें सिखाने के लिए ऑडियो आलात का इस्तेमाल किया। जंग के वक्त इन मीडिया के इस्तेमाल से होने वाले तजर्बे ने के बाद में आने वाली दहाइयों में स्कूलों में इनके इस्तेमाल को हवा दी। 1950 और 1960 की दिहाई के दौरान तदरीसी टेलीविज़न तवज्जो का मरकज था। ये तवज्जो दो अवामिल के तरफ से हौसला अफजाई की गई थी। सबसे पहले 1952 से फेडरल कम्युनिकेशन की जानिब से 242 टेलीविज़न चैनल को तालीमी मकासद के लिए अलग अलग करके फैसले तालीम अब अवामी कहा जाता था। टेलीविज़न स्टेशनरों की तेज़ी से तरक्की इनके मिशन का हिस्सा, स्कूल के निज़ाम को इनके देखने के इलाके में तदरीसी प्रोग्राम फराहम करने का था। दूसरे आंसर फूड
फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी सरमायाकारी था।